भाभी मानस भैया किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई बाबू राम करके। लेकिन इसे तो आशना से बात करनी चाहिए थी ना, बाबू राम कौन है? आशना मेरी बात तो सुनो यार। आशना, इसका मतलब इसने आशना का नंबर बाबू राम से सेव किया ताकि किसी को डाउट ना हो। बेबी समझो ना प्लीज, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। I'm really sorry. ऐसी सूखी सूखी सॉरी का मैं क्या करूं मानस? अगर तुम सच में सॉरी फील करते हो तो मेक अप फॉर इट ना, मुझे एक डायमंड नेकलेस दिलवाओ अभी, तुरंत, इसी वक्त। कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है ये, और मानस को समझ में नहीं आ रहा, जो जो मेरे हाथ से थप्पड़ खाई थी उसकी कीमत वसूल रही है मानस। नो सेल्फ रिस्पेक्ट। डन माय लव, डन। तुम एक काम करो, उस ज्वेलर को फोन करके बुला लो और जो भी पेमेंट है वो मैं ऑनलाइन कर दूंगा। गुड बॉय, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। समझो हो गया। प्रॉपर्टी का पी भी नहीं लेने दूंगी मैं, ऐसे कैसे पापा के पैसे वेस्ट करने दूं? पैसे और प्रॉपर्टी लेकर भागना चाहते हैं ना, इसे अब एक एक पैसे के लिए तरसाऊंगी मैं। देखती हूँ मैं भी कैसे पापा के पैसे वेस्ट करता है उस घमंडी लड़की पे। तुम क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ। मिनी, गोलू, रोहित, मुझे तुम तीनों की हेल्प की जरूरत है। डैड, मेरा एक दोस्त आया, उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। अरे अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? नो वे भैया, हम आपको तभी बाहर जाने देंगे जब आप हमें गिफ्ट दिलवाएंगे। किस खुशी में? किसका बर्थडे? किसी का बर्थडे नहीं है, पर आपकी शादी होने वाली है तो आप हमें गिफ्ट तो दोगे ही ना? ये गिफ्ट तो बनता है, शादी हो रही है, कम ऑन। दादा कुछ नहीं, बस नए वाले मोबाइल का प्रो मैक्स वर्जन दिला दो। हाँ, और मेरे लिए वो जो लेटेस्ट आलिया की मूवी आई है ना, वैसी ही ड्रेस चाहिए। हाय, क्या लगूंगी मैं? और मैंने भी सोचा कि मैं बता दूं आपको थोड़े टाइम में। क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग मानस को? अरे भाभी, हम छेड़ नहीं रहे हैं, ये तो हक बनता है हमारा। हा? और वैसे भी इतनी जल्दी इतनी कंजूसी नहीं करने देंगे हम इन्हें। कंजूसी वो कर भी नहीं रहा है, मैं हूँ ना, तुम लोग को जो भी चाहिए मैं दिलवाऊंगा, बताओ। अरे आप बच्चो, खुल के मांग लो जो चाहिए तुमको, मन्नू के बेटे की शादी है, मना थोड़ी करेगा, सारे हाथ खोल देगा, क्यों मन्नू? दादा ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर हमें गिफ्ट ताऊजी से नहीं चाहिए। हमें तो गिफ्ट भैया से चाहिए। वेट, भैया अभी भी ताऊजी के पैसे यूज करते हो? सो व्हाट, डैड है मेरे, मेरा पैसा उनका पैसा है और उनका पैसा मेरा पैसा है। पैसा तो घर से ही लगना है, चाहे इसका लगे या मेरा। फिर तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? भैया मैं ना आपको अभी दिखाती हूँ कि वो डिजाइनर लहंगा किस शोरूम पे मिलता है, चलिए हमारे साथ। देखो फोटो देखो, मानस अभी बिजी हो गया, यही सही मौका है पापा से बात करने का। क्या हुआ मौली, कुछ कहना है तुझे मुझसे? मुझे भी आपसे शादी का एक गिफ्ट चाहिए पापा। एक क्यों, 10 मांग ले, जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रही है मुझसे, बता क्या चाहिए तुझे? पापा मुझे मानस के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट चाहिए। देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर आज मिनी और गोलू ने बोला मानस को कि वो अपने पापा के पैसे यूज करता है, कल को सोसाइटी भी बोलेगी कि मानस अपने पापा के पैसे पे पलता है, और पापा सच्चाई भी तो यही है ना, मानस अब तक कहीं सेटल नहीं हुआ है, उसकी खुद की कमाई जीरो है। कल को वो मेरा हस्बैंड बनेगा तो मैं भी तो ये चाहूंगी ना कि वो किसी अच्छी जगह काम करे, या एटलीस्ट इतना तो करे कि फैमिली की केयर कर सके। हर चीज के लिए वो आप पे तो डिपेंड नहीं हो सकता ना। मानस के लिए
मेरे दिल में भी तो रिस्पेक्ट आनी चाहिए ना पापा, एंड फॉर दैट उसे भी सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। बात तो बिल्कुल सही कह रही है मौली, कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका होने वाला पति एटलीस्ट इतना तो करे। हाँ, इवन आप भी तो यही चाहेंगे ना पापा कि आपका बेटा काबिल बने, सक्सेसफुल बने, स्मार्ट बने, नहीं तो पता नहीं आशना के जैसे और कितने लोग आ जाएंगे उसे यूज करने के लिए और मानस यूज होता रहेगा। आप इसे ट्राई कीजिए, ये आपके ऊपर बहुत जमेगा। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। आप तो ले लीजिए ना। कितने का है ये? मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। जी, तुम सही कह रही हो मौली, मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि मानस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हाँ तो पापा, उसके लिए उसको उसकी जिम्मेदारियां फील होने दीजिए। जो कंफर्ट, ऐशो आराम आपकी वजह से उसे मिल रही है वो उसे खुद कमाने दीजिए पापा। कल को फैमिली बनाने से पहले उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक तो हो जाए। ओली, किस मिट्टी की बनी है तू? अपनी शादी के गिफ्ट में मानस की भलाई मांग रही है तू? क्या चाहती है तू बता मुझे, मैं वही करूंगा। मानस को मैसेज भेजा हुआ है, पेमेंट हुआ क्यों नहीं अभी तक? पहले आशना का पेमेंट कर देता हूं। कार्ड ब्लॉक हो गया? कैसे? पहले दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर देता हूं, उसके बाद बैंक को कॉल करूंगा। एक कार्ड भी डिक्लाइन हो गया, अभी कल ही तो इसे पेमेंट किया था। यू कांट इवन इमेजिन राहुल, अभी आशना कितने गुस्से में होती। मानस अभी अगर उसके सामने होता ना तो बिल्ली की तरह पंजा मार रही होती ऐसे। हैप्पी? वेरी हैप्पी। मैं मेरे पापा के पैसे ऐसे मानस को उड़ाने नहीं दे सकती, वो भी उस गोल्ड डिगर पे। ये तो प्लान का पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट पापा एग्जीक्यूट करेंगे। विदाउट एनी नोटिस आप कार्ड ब्लॉक कैसे कर सकते हो? सर वो अकाउंट्स मिस्टर मनोज अग्रवाल के नाम पे हैं, उन्होंने खुद अपना कार्ड ब्लॉक और अकाउंट फ्रीज कराया है। दिस इज नॉट डन डैड, दिस इज नॉट डन। मनसे आ रहा है गुस्से में, आपको सब याद है ना? हाँ हाँ मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर, मैं रेडी हूँ। ठीक है, आप फोन निकालिए। क्या मेरी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट सब सीज कर लिए? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, दो दिन में मेरे बेटे की शादी है। देखिए उसके लिए पैसे लगेंगे, कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? आपसे थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा हूँ मैं। देखिए बैंक अकाउंट तो छोड़ दीजिए कम से कम प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके सारे पैसे विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा मैं। हेलो, क्या हुआ पापा, क्या बोला बैंक वालों ने? मौली तू तो सब कुछ जानती है, तवातिया बिल्डर से मैंने बहुत बड़ी जमीन ली थी ना गाँव में, और बैंक से लोन ले लिया था, बिल्डर फ्रॉड निकला तो सारे पैसे डूब गए। बैंक का लोन मैं चुका नहीं पाया तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज, पैसा, बैंक अकाउंट सब सीज कर लिया है। क्या? अब मेरे पास कुछ नहीं रहा मौली। गुड जॉब पापा, मानस और आशना जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए आपको चीट कर रहे हैं, अब मानस को लगेगा वो रही ही नहीं, तो टेंशन और पैनिक में अपने आप गलती करेंगे और उनका सच बाहर आ जाएगा।
मानस, तुमने सब सुन लिया। मैंने ये क्या बोल रहे डैड? यही सच है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा मानस, इसी का डर था। इसलिए तो पापा यहाँ उज्जैन में आके रह रहे, एटलीस्ट यहाँ हमारे सर पे छत तो है। तभी तो मैं और पापा यहाँ मेहंदी वाले घर में भी अपना हिस्सा मांग रहे थे मानस। What the hell? इतना कुछ हो गया, डैड ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मम्मा को भी कुछ भी नहीं पता है। ऑफ कोर्स तुम ही सोचो, मुंबई के इतने बड़े हार्ट सर्जन है जिन्होंने अपनी फैमिली को सब लग्जरी दी है, वो कैसे बोलेंगे अपनी फैमिली को कि उनकी एक गलती ने उन्हें सड़क पे ला दिया। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली? डैड तो खुद सड़क पे आ गए हैं, मैं किस होप में उनके पीछे हूं? और आशना, उससे क्या बोलूंगा? जस्ट मेक श्योर शादी से पहले वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। ऐसा ना हो कि डैड की प्रॉपर्टी नाम कराने के चक्कर में मैं फंस जाऊं और उनका लोन भी मुझे चुकाना पड़े। मानस, हाँ? तुम तो टेंशन में आ गए। टेंशन वाली बात है ना, टेंशन में तो आऊंगा ही। नहीं नहीं, ये टाइम टेंशन लेने का नहीं, एक्शन लेने का है। उज्जैन में बैठ के क्या एक्शन लेंगे हम? Why not? वैसे भी मम्मा और पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही उठानी है ना, so why don't we work here? मैं यहाँ कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती हूँ, 50-60 हज़ार तो इजिली कमा लूंगी। तुम भी कोई जॉब ज्वाइन कर लो मानस, छोटा शहर है, कम पैसों में अच्छी लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास? मौली प्लीज, मैं यहाँ उज्जैन में कहाँ क्या काम करूंगा, मेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी पूरी। मानस, हमारी साड़ी की दुकान है, तुम अक्षय चाचू के साथ वहां क्यों नहीं जाते? जब तक कोई मन का काम नहीं मिलता तुम साड़ी दिखाना सीख जाओगे। मुझे कोई साड़ी वाड़ी बेचने नहीं आती। मानस तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम अक्षय चाचू के साथ जाओ तो, उनके साथ रहोगे तो साड़ी वगैरह बेचना सब सीख लोगे। आशना, आशना को बोलना क्या है पहले ये तो सोच लो। फोन उठाओ मानस। पहले वो मेरा कॉल कट कर रहा था, अरे मेरा फोन नहीं उठा रहा। जब भी वो अपने घर पे होता है मुझे हमेशा इग्नोर करता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं वो मुझे फूल तो नहीं कर रहा। मानस, अच्छा है तुम मेरा फोन उठाओ या ना उठाओ, मैं तुमसे मिलके रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे मेहंदी वाले घर क्यों ना आना पड़े, मैं आऊंगी। यार फोन ही नहीं लग रहा। साड़ी की फ्रेंचाइजी दिलवाने वाला था, अब क्या फोन बंद करके चार धाम की यात्रा पे चला गया है? हार गिरवी रख के पैसे लिए थे, अब मैं क्या करूं? आप आजकल बहुत परेशान रहने लग गए हैं, दुकान पे सब नरम गरम चल रहे हैं क्या? क्या हो गया इन्हें? मैसेज करके पूछते हो इन्हें, ऐसे तो सामने कुछ नहीं बताएंगे, फोन पे अपना दिल खोल लेंगे शायद। आशना यहां क्या कर रही है? What the hell? मौली देखना ले, गॉड मौली, मेरा चार्जर ला दो ना ऊपर से, वो मेरी फोन की बैटरी कम हो गई। लेकर आती हूँ।
पर ये तो बता दो चार्जर रखा कहाँ है? वो मेरे ब्लैक बैग में है। आशना तुम घर पे क्या कर रही हो? बाहर चलो प्लीज। नहीं। अरे कोई देख लेगा यहाँ पे, चलो बाहर प्लीज। देख ले, who cares? I care. No you don't. अगर तुम केयर करते तो मुझे कॉल करते। अरे पॉसिबल नहीं था। नेकलेस का पेमेंट करना भी पॉसिबल नहीं था, तो मुझे खरीदने के लिए क्यों कहा? मैं समझाता हूँ, बाहर चलो पहले। नहीं, पहले नेकलेस की पेमेंट करो तभी जाऊंगी। पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे, समझो। पैसे तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं होते, अपने डैड का अकाउंट यूज करो ना। मेरे डैड के पास ही पैसे नहीं है, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था, कुछ लोन फ्रॉड हो गया उनके साथ। अरे वो लूट चुके हैं यार। What? हाँ सब समझाता हूँ तुम्हें, तुम पहले बाहर चलो। Yes, yes, Mr. Mehta. जी सारे कागज तैयार हो गए हैं, मैं अभी किसी के हाथ आपके पास भिजवा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, I'll just send it across. जी मानस इधर आओ। हाँ डैड। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो कुछ नहीं, वो गधा बाहर था तो उसको थोड़ा सा सेट कर रहा था मैं बस। चलो जो भी है। अच्छा एक जरूरी काम है मानस, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हमारे बैंक का जो यहाँ पर ब्रांच है ना उज्जैन में, उसके मैनेजर मिस्टर मेहता यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनको ये कागज जाके दे दो। मैं? हाँ तुम ही लो। मैं दे दूंगा। मानस दे दूंगा नहीं, दिस इज वेरी अर्जेंट, अभी वो वेट कर रहे हैं, तुम जाओ। हाँ अभी जाके दे दो। अभी जाओ। हाँ तन्वी आज बहुत सारा काम है। आई होप आशना सेफली चली जाए। जानकी माँ ने कहा है सारे काम आज के आज कर देना। हाँ जी जी। पहले तो इन गद्दों की ये जो धूल है वो निकालनी है, और जानकी माँ ने कहा है कि स्वरा बहू जितो ताकत तेरे अंदर है इन गद्दों को पीटने में लगा दे। बहुत मजा आएगा जी जी। तू शुरू हो जा और मैं यहाँ से शुरू हो जाती हूँ। चल जय सीता मैया। जी जी बस हो गया, मेरी तो जान निकल गई। हाँ जान निकल भी गई। हाँ। और निकाल भी दी। किसकी? इन गद्दों की। हाँ। अब छत की तराई कर लेते हैं। बहुत मारा है उस दिन थप्पड़, आज डंडे, आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। मौली राहुल, उस गद्दे के नीचे आशना है। What? कुछ भी मैंने कुत्ते का है। Let me check. नहीं 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 नहीं, तुम मत जाओ। हम जानकी माँ को भेजते हैं, उन्होंने वैसे भी आशना को वार्न किया था। अभी यहाँ पे देख लेंगे, तुम पूछेंगे ना कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो आशना को सच बताना पड़ेगा और फिर मानस का प्लान एक्सपोज हो जाएगा। एक काम करो, तुम जाओ जल्दी धारी ब्रो को लेकर आओ, मैं नजर रखता हूँ। हाँ चाची। राहुल पता नहीं ये मेरे हाथों से कैसे गिर गया, प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे? जी हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए दोनों ताईजी ने मिलके बहुत मेहनत से गद्दे साफ किए, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। देख रही थी कितने अच्छे से साफ किया है ना दोनों ताई जी ने, एकदम चमका दिया। दोनों ने बहुत मेहनत की है। अरे अच्छा हुआ राहुल तू आ गया। जी दादी। इन गद्दों को छत पे रख दे ताकि धूप लग जाए। हाँ यस दादी। हाँ सारे ले जाना। चली गई। चली गई।
शादी को सिर्फ 2 दिन बचे, अगर 2 दिन में मानस का सच बाहर नहीं आया, हमारी शादी हो जाएगी। नो वे, और इतना अच्छा मौका मिला था, आज तो चली कैसे गई? राहुल, हाँ? किसी ने उसकी हेल्प तो नहीं की? अगर हेल्प की भी होगी ना मौली, तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं जाके ढूंढता हूँ उसे। झूठ क्यों बोला मुझसे? राहुल वहीं बैठा है, आशना कैसे जाएगी? कुछ करती हूँ। क्यों बोला कि आशना तुम्हें चीट करके चली गई है, जबकि ये अभी भी तुम्हारे साथ है? क्यों जेल का झूठा ड्रामा किया? क्यों मौली से झूठा प्यार करके उसे शादी का ड्रामा कर रहे हो? मॉम 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 गलती हो गई, मॉम मॉम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने आपसे, डैड से, मौली से सबसे झूठ बोला। मौली या किसी की और की कोई पड़ी नहीं है मुझे, पर मनोज को भी चीट किया तुमने, झूठ बोला है उससे। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने मॉम और डैड दोनों को चीट करोगे। That's really bad, Manus. यहां तक तो सीधा रास्ता है, आशना शायद यहीं तक पहुंची हो। मॉम जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे जो रीजन वो मौली है। मौली ने मुझे डैड से दूर कर दिया, मेरी जगह वो लेकर बैठी। घर में डैड के दिल में मैं आशना से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं डैड से भी करता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो मुझसे ये सब ब्लंडर हो गया मॉम। बहुत गलत किया मानस। प्लीज मॉम, प्लीज डैड को ये सब मत बताइएगा, प्लीज। वो हर्ट हो जाएंगे, मुझसे प्यार तो दूर, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों को इतना परेशान कर रहा हूँ, अपनी लाइफ ही खत्म कर दूँ। मानस, नहीं। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं मानस, नहीं, ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी मत। एक काम करो मानस, तुम और आशना दोनों यहां से चले जाओ हमेशा के लिए। तुम मौली से शादी क्यों नहीं कर सकते जी? मैं कोई भी बहाना बना दूंगी। तुम दोनों अभी के अभी उज्जैन छोड़ के जाओ। जस्ट पैक योर बैग्स एंड गो। ओके, इसका तो फोन अभी भी ऑफ जा रहा है। क्या करूं अब? अक्कु? जी जानकी मां। क्या हुआ, कुछ बात है? अच्छा, जो हमने हार दिया था ना पॉलिश करने के लिए, वो ला दे। अक्कु, ये खड़ा क्या है? जा जा करके हार ला के दे। क्या बात है अक्कू, हार क्यों नहीं ला कर दे रहा? दुकान पर जा रहा है तो जाते हुए इसे सुनार को दे देना, उसे कहना कि ध्यान से पॉलिश करे, बहुत कीमती हार है। फ्रेंचाइजी हमें ही दिलाएंगे। दिलाएंगे? अरे समझो, मिल गई अक्षय भाई, फ्रेंचाइजी मिलते ही इसका 4 गुना पैसा आप महीने भर में कमा लोगे। कैसे बताऊं जानकी माँ को कि मैंने फ्रेंचाइजी के पैसे भरने के लिए शादी का हार गिरवी रख दिया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।